अब जो हमारा डिस्कशन है वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के ऊपर है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बेसिकली किस किस टाइप के फ्लो होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्लूइड के फ्लो का कॉज क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस जो होगा वो लैग्रेंजियन अप्रोच होगा, और विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स रीजन या पर्टिकुलर एक पार्टिकल के ऊपर आप उसके ऊपर मतलब स्पेस पे नहीं हो उसी पार्टिकल के पीछे पीछे लगे रहोगे और उसके बारे में अप्रोच करोगे तो यूलेरियन अप्रोच होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो की अगर मैं बात करूंगा तो पहला होगा स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो क्या है, यदि डेंसिटी प्रेशर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स रहे, टाइम के साथ फिक्स रहे एट अ फिक्स सेक्शन चेंज ना हो तो वो स्टडी फ्लो कहलाएगा। जैसे dP/dt, dP/dρ/dt एंड dV/dt सभी क्या हो, जीरो हो जाए तो हम बोल सकते हैं ये स्टडी फ्लो है। लेकिन अगर ये टाइम के साथ एट अ फिक्स पोजीशन पर चेंज होते रहे तो वो अनस्टडी फ्लो है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि अगर कोई भी फ्लूइड की वेलोसिटी स्पेस के सापेक्ष चेंज ना हो, स्पेस के सापेक्ष मतलब पर्टिकुलर एक स्पेस पे पर्टिकुलर एक स्थान पे वो चेंज ना हो, स्पेस टू स्पेस चेंज ना हो, तो ऐसे फ्लो को हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे, और अगर वो चेंज हो जाए तो फिर नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। एक चीज और याद रखनी है कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो केवल वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, ये नहीं कि तुम बोल दो प्रेशर एट अ पर्टिकुलर स्पेस में प्रेशर अगर चेंज ना हो तो भी वो यूनिफॉर्म है, नहीं सिर्फ वेलोसिटी के लिए हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखो लैमिनार फ्लो वो होगा जहां पे उसकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 हो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मोर देन 4000 हो गई तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और बिटवीन रही तो ट्रांजिएंट फ्लो होगा। अब लैमिनार फ्लो जो होगा वो विस्कस फ्लो होगा, मतलब उसमें विस्कोसिटी होगी। दूसरा लैमिनार फ्लो जो होगा वो स्टीम लाइन के अक्रॉस फ्लो होगा, स्टीम लाइन स्ट्रेट लाइन पाथ लाइन क्या होती है आगे मैं उसका डिस्कशन करूंगा। अब रेनॉल्ड्स नंबर ही क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लो। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इसको मैं रो वी डी अपॉन म्यू भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट इसमें नहीं है पर मैं आपको बताऊंगा, दो टाइप के और फ्लो होते हैं, पहला कंप्रेसिबल दूसरा इनकंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब सिंपल है कि रो की वैल्यू डेंसिटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो कंप्रेसिबल फ्लो है। अगर रो ऑफ लिक्विड कॉन्स्टेंट हो गया तो वो इनकंप्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। दूसरी बात रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो वो फ्लो कहलाएंगे जो अपने मोमेंट ऑफ एक्सिस के अबाउट या अपने सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सके ड्यूरिंग द फ्लोइंग टेंडेंसी। पार्टिकल रोटेट अबाउट दिस मास सेंटर इज नोन एज द रोटेशनल फ्लो, एंड द पार्टिकल इज नॉट फ्लोइंग या नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स मास सेंटर इट्स कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है इसी से हम लोग वर्टिसिटी वर्टेक्स फ्लो को बता देंगे। ठीक फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो F इज इक्वल टू 64 अपॉन RE होता है। मैंने क्यों बताया क्योंकि RE जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक उसके बाद में बात करूंगा व्हाट इज द स्टीम लाइन, व्हाट इज द स्टीम लाइन। तो स्टीम लाइन क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। देखो ये एक इमेजिनरी लाइन है। दूसरा फ्लूइड फ्लो इसी के डायरेक्शन में होता है, एंड यदि इस इमेजिनरी लाइन में टेंजेंट खींचा जाए तो वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को शो करता है। तीन चीजें मैंने बताई, पहला ये एक इमेजिनरी लाइन है, दूसरा ये एक ऐसी लाइन है जिसके डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होता है, तीसरा अगर मैंने इस इमेजिनरी लाइन में टेंजेंट खींचा तो वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, तो वो स्ट्रीम लाइन हो जाएगा। दूसरा स्टीक लाइन की अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द स्टीक लाइन, ठीक तो
स्टीक स्टीम लाइन के इक्वेशन भी कुछ होते हैं, स्टीम लाइन के कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, dx upon u, dy upon v, dz upon w. स्टीम लाइन और नॉट कट टू इच अदर, याद रखना कि स्टीम लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है. स्लोप ऑफ द स्टीम लाइन अगर मैं बोलूं dy by dx तो वो वेलोसिटी ऑफ v अपॉन वेलोसिटी ऑफ u के बराबर. अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द पाथ लाइन, तो देखो अ पाथ लाइन इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन. मतलब वो अपने पूरे के पूरे मोशन के दौरान अगर मैं उसी उसके पूरे पूरे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ गए हैं उस पाथ को मैं फॉलो करते हुए एक लाइन खींच दूं तो वो पाथ लाइन कहलाती है. एक फ्लूइड पार्टिकल जो पाथ चुनता है पूरे फ्लो के दौरान वही पाथ लाइन कहलाती है. तीसरा स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन क्या होती है, लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल विच हैव पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट एट एन इंस्टेंट ऑफ अ टाइम. मतलब फिक्स्ड पॉइंट ऑफ स्टडी फ्लो में अगर मैं बोलूं तो वी कांस्टेंट है. अगर मैंने स्टडी फ्लो बोल दिया है तो उसके लिए स्टीम लाइन, स्टीक लाइन एंड पाथ लाइन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल. ठीक, नेक्स्ट. तो स्टीक लाइन का मतलब समझ गए ना कि ये लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल विच हैव पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ इंस्टेंट, तो वो स्टीम लाइन, स्टीक लाइन कहलाएगी. अब इक्वेशन ऑफ द स्टीम लाइन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इक्वेशन ऑफ द स्टीम लाइन कौन कौन सी होंगी, dx upon u, dy upon v और dz upon z. अब कंटिन्यूटी इक्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो इसको हम लोग डिस्चार्ज के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं. कंटिन्यूटी इक्वेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब क्यू रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू बी टू, यहाँ पर रो डेंसिटी है, ए एरिया है, वी वेलोसिटी है. फॉर अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी विल बी कॉन्स्टेंट, थस द कंटिन्यूटी इक्वेशन विल बी क्यू इज इक्वल टू ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू. अब जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, देखो जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा डी रो बाई डी टी प्लस del by del x rho u plus del upon del y rho y plus del upon del z rho w is equal to 0. अब देखो इसको मैं del rho by del t plus del by del x rho u plus del upon del y rho y plus del upon del z rho w is equal to 0. अब कुछ स्पेशल केस होंगे जहां पे फ्लूइड एक्सेलरेशन a तो dv upon dt a total is equal to v dv upon dx plus dv upon dt, एक convective और एक local के बराबर होगा. ठीक, special case में अगर मैं बोल दूं if flow is steady, अब अगर मैंने flow ही steady कर दिया तो d rho by dt की value 0 हो जाएगी. Thus the continuity equation will be del by del x rho u plus del upon del d del y rho y plus del upon del z rho w is equal to 0. अब अगर मेरा fluid जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो जाए, इफ फ्लूड एंड फ्लो फॉर ए स्टडी इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी विल बी कॉन्टेक्टस, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड. अब भैया मेरे एक्सेलरेशन की भी मैं बात करूंगा ही, तो बेसिकली दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, पहला कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, दूसरा टेम्पोररी या लोकल एक्सेलरेशन. जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो dx, dy और dz पर डिपेंड करेगा, जबकि जो टेम्पोरल एक्सेलरेशन या लोकल एक्सेलरेशन होगा वो टेम्परेचर बोल रहा हूँ, टाइम पर डिपेंडेंट होगा. तो मैं ax जो है वो लिख सकता हूँ u del u upon del y plus v del u upon del y, सॉरी del x होगा पहले, प्लस w del u upon del z, ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा. और del u upon del t जो होगा टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन हो जाएगा. जबकि मैं ay की अगर बात करूं तो u del v by del x plus v del v by del y plus w del v by del z plus del v by del t. टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस, del x, del y और del z क्या है, स्पेस है, प्लस लोकल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वो टाइम पर होगा. कुछ चीजें हैं जिनको आप देख सकते हो, टाइप्स ऑफ फ्लो, जैसे मैंने स्टडी एंड यूनिफॉर्म बोल दिया, स्टडी और यूनिफॉर्म बोल दिया तो कन्वेक्टिव और टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. स्टडी या नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पेस के सापेक्ष आपका एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है लेकिन टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होगा.
अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म बोल दिया, तो अनस्टडी का मतलब है कि अब आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म बोल दिया, बट टेम्पोरल एक्सेलरेशन जो टाइम के रिस्पेक्ट पे था वो एग्जिस्ट करेगा. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो उसमें दोनों कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे. रोटेशनल कंपोनेंट या वर्टिसिटी या सर्कुलेशन क्या होता है तो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा. तो या मेरे बता दो. देखो सबसे पहले अभी मैं बात कर रहा हूँ वर्टिसिटी क्या होती है, ठीक है ना. देखो वर्टिसिटी को मैं जीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, और वर्टिसिटी जो होती है फ्लूड एलिमेंट के स्पिन करने की टेंडेंसी ही वर्टिसिटी कहलाती है. मतलब फ्लूड एलिमेंट कितने अच्छी तरीके से स्पिन कर रहा है वही क्या कहलाएगा, वर्टिसिटी कहलाएगा. तो रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन जेड क्यू बी एंड डब्ल्यू. अब ओमेगा एक्स बराबर 1 बाय 2 डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल बी बाय डेल जेड. और ई रोटेशनल फ्लो की अगर मैं बात कर दूंगा, इफ आई टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द ई रोटेशनल फ्लो, ई रोटेशनल फ्लो की कंडीशन में डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी. वर्टिसिटी जो होती है वो 2 इंटू रोटेशनल कंपोनेंट, तो वर्टिसिटी जो होती है वो 2 इंटू ओमेगा के बराबर. मैथमेटिकली इज द ट्वाइस ऑफ रोटेशन, मतलब वर्टिसिटी इज द ट्वाइस ऑफ रोटेशन, वर्टिसिटी इज द ट्वाइस ऑफ रोटेशन, वर्टिसिटी इज द ट्वाइस ऑफ रोटेशन. जीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा. इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीटा जेड 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर आर डी थीटा माइनस डेल बी आर अपॉन डी थीटा के बराबर होगा. जबकि मैं सर्कुलेशन की अगर बात करूं तो वो वर्टिसिटी इनटू एरिया के बराबर होगा. इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अराउंड अ क्लोज्ड कर्व. इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. ठीक, तो सर्कुलेशन क्या है, अपर केस गामा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. पूरे सिस्टम के मोशन को बताने के लिए हम लोग सर्कुलेशन का यूज करते हैं. क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो फ्लो हो वो सर्कुलेशन कहलाता है. इफ द फ्लो अलोंग अ क्लोज कर्व इज कॉल्ड ऑफ द सर्कुलेशन. सर्कुलेशन को प्रेजेंट करने का तरीका हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्टिसिटी इनटू एरिया होता है, वर्टिसिटी इनटू एरिया होता है. अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस की अगर बात करूं u, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन u जो होता है वो माइनस डेल साई बाई डेल एक्स होता है. वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो होता है माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, बी जो होता है वो माइनस डेल साई बाई डेल वाई होगा, और डब्ल्यू जो होगा वो माइनस डेल साई बाई डेल जेड होगा. कुछ पॉइंट और रिमेंबर करने हैं. लाप्लास इक्वेशन डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा. स्टीम लाइन के कुछ फंक्शन होंगे जिनको मैं साई से रिप्रेजेंट करूंगा. तो स्टीम लाइन जो होगी वो रोटेशनल फ्लो को डिफाइन करने के यूज किया जाता है. कंटीन्यूअस स्केलर है ये. नेक्स्ट फॉर्मूले बता दो. डेल साई बाई डेल वाई यू होगा माइनस डेल साई बाई डेल एक्स बी होगा, माइनस डेल साई बाई डेल एक्स बी होगा. दोनों में कुछ बोल सकते हो. डेल साई बाई डेल वाई डेल साई बाई डेल वाई यू होगा और माइनस डेल साई बाई डेल एक्स बी होगा. एक और बड़ी तगड़ी चीज है यहाँ पे कि डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ साई वन माइनस साई टू, साई वन माइनस साई टू ही तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो साई वन माइनस साई टू रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ. साई वन माइनस साई टू या साई टू माइनस साई वन रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ. नेक्स्ट काउची रिमेनिंग इक्वेशंस बता दो. तो डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स is equal to del psi by del y is equal to u minus del psi del phi by del y is equal to del psi by del x is equal to v. Equipotential lines are constant steam functions, line are orthogonal. The equipotential lines and constant steam line are orthogonal to each other or perpendicular to each other. ये मैंने लिखा है. Velocity potential functions की अगर मैं बात करूँ तो u is equal to minus del psi by del x, b is equal to minus del psi by del y, w is equal to minus del psi by del z. For continuity equations, तुम ये लिख सकते हो. I hope इतनी बात समझ में आ गई होगी. Next अगर मैं बात करूँ, यदि velocity potential exists psi, the flow should be irrotational.
अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन साई है, फाई है, अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में साई फाई की वैल्यू अगर है तो वो फ्लो इरोटेशनल होगा। यदि फाई लाप्लास इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है देन फ्लो इनकंप्रेसिबल एंड इरोटेशनल दोनों होगा। लाप्लास इक्वेशंस कौन सी है, अभी मैंने तुमको चीख चीख के बताया है कि लाप्लास इक्वेशन डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगी। डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगी लाप्लास इक्वेशन। ठीक, इतनी बेवकूफी करने के बाद फिर हम लोग आएंगे अपने थर्ड चैप्टर पर, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट। उसके पहले कुछ पीवीआई के ऊपर लेते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ द सर्विस टेंशन आर, यूनिट ऑफ सर्विस टेंशन बच्चे बच्चे पता, Which of the following meters is not associated with viscosity? Which of the following meters is not associated with the viscosity? तो ऑर्सेट्स जो होता है वो विस्कोसिटी के लिए यूज नहीं होता। चूज द करेक्ट रिलेशन, तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगी वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी के बराबर होगी। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन आर, सरफेस टेंशन के डायमेंशन एम एल की पावर 0 की पावर 2। फॉर अ मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग, फॉर अ मैनोमीटर अ बेटर फ्लूइड कॉम्बिनेशन, बेटर फ्लूइड कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, जिसकी हायर सरफेस टेंशन होगी वही बेटर फ्लूइड कॉम्बिनेशन होगा। इफ मर्क्यूरी इन अ बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगर मैंने वाटर से रिप्लेस कर दिया, द हाइट ऑफ 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल बी, तो फॉलोइंग सेंटीमीटर, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू। बस अब इस पे इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए तुमको, उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, इसकी हाइट तुम्हें पता है, उसकी हाइट निकाल पाओ, इसका आंसर आएगा 51 सेंटीमीटर। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बता दो। देखो, इट्स प्रोवाइड द एक्यूट रीडिंग, alcohol is used in a manometer because alcohol ka hum log use kar sakte manometer because its vapor pressure is low, low alcohol ka vapor pressure kam nahi hota hai। next, increase in pressure at a outer edge of drum of a radius r due to the rotation at a chord per centimeter, pull off liquid of a density p will be p cos 2/2। The property of a fluid by virtue of which of the offers the resistance of the shear is called the viscosity। Choose the wrong statement, wrong statement kya hoga, when in a fluid are capable of flowing, bilkul sahi, fluid conform to the shape and contain through the vessel, bilkul sahi, when in a equilibrium fluid cannot sustain the tangential force, bilkul sahi, when in equilibrium fluid can sustain the shear stress, no shear stress to sustain kar nahi sakta chahe wo motion mein ho chahe rest mein। next, that density of a water is 1000 kg per meter cube at, the density of a water is 1000 kg per meter cube at 40 cm, 20 cm। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पर प्रेशर पर बहुत कम डिपेंड करती है, निग्लिजिबल। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटीज आर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। Which of the following is the unit of kinematic viscosity? The unit of kinematic viscosity is the Stoke. A one-dimensional flow is one which involves the zero transverse component of the flow. जब मैं one-dimensional flow की बात कर रहा हूँ, whenever I am talking about the one-dimensional flow,
then the transverse direction में कोई भी flow का component होना ही नहीं चाहिए. That's why the reason I am called it is a one dimensional flow. केवल एक दिशा में flow हो रहा है. Alcohol is used in mercury because it's provide the longer column due to the low density. Low density की वजह से यह longer column provide करता है. That's why the reason we are using the alcohol in a mercury. A pressure of 25 meter of head of water is equal to 245 kilonewton per meter square. Next, the specific weight of the sea water is more than the pure water because it's contained. क्योंकि ये suspended matters contain करता है, ये dissolved salts को रखता है अपने पास और ये dissolved air को भी रखता है. That's why the reason the specific weight of the sea water is more than the pure water. अब प्योर वाटर में उतने अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो डिसॉल्व होगा नहीं, उतने अमाउंट ऑफ मैटर्स भी डिसॉल्व होंगे नहीं. दैट्स व्हाई द रीजन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर. इफ 850 केजी लिक्विड ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ अ 1 क्यूबिक मीटर मीन 0.85 रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी. Free surface of liquid tends to contain to the smallest possible area due to the force of surface tension. Next, a bucket of water is hanging from the spring balance and the iron piece is suspended into the water without touching side of the bucket from the another suspend. The spring balance reading will remain constant. Next. Falling drop of water becomes the spherical due to the properties of the cohesion, adhesion, both for a surface tension. Next, a liquid would wet the solids if the adhesive force compared to the cohesive forces are more. तभी तो ऐसा हो पाएगा. If cohesion between the molecules of the fluid is greater than the adhesion between the fluid and the glasses, then the free level of a fluid in a displaced glass tube will be lower than the surface of the liquid. Next, the point in the immersed body through which the resultant pressure of a liquid may be taken as the center of pressure. Next, the total pressure on the surface of a vertical slag gate 2 meter into 1 meter with its top 2 meter surface being 0.5 meter below the water level. अरे रो जी एच से अच्छा फॉर्मूला कोई नहीं होता, वही लगाओ आंसर आ जाएगा. Next, the resultant upward pressure of the fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. The definition according to the buoyancy तो है, हाँ है तो buoyancy, लेकिन दिया इसको आर्किमिडीज ने था. Next, the resultant upward pressure of the fluid on the immersed body is called a buoyancy. Next, the condition of the stable equilibrium of a floating body are, ये मैं आपको चीख चीख के बता रहा था कि इसमें तीन condition होंगी. पहला, meta center should lie above the center of gravity. The center of buoyancy and the center of pressure must lie at the same vertical line. A rigiding couple should be formed. A rigiding couple should be the form. Next, poise is the unit of. बार बार बता चुका हूँ कि poise unit होती है viscosity की. Poise is the unit of viscosity. Next, metacenter height is given as the distance between. Metacenter height क्या होती है? Buoyancy. मतलब कहाँ पे बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बॉडी ऑफ द मेटासेंटर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बॉडी ऑफ द मेटासेंटर. सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी एंड द मेटासेंटर. द डिस्टेंस बिटवीन द कॉल्ड द मेटासेंटर हाइट. द बॉयंसी डिपेंड अपॉन बॉयंसी मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पर डिपेंड करती है. buoyancy force depend करता है कि mass of a liquid कितना displace किया गया है. The buoyancy is depend upon the mass of a liquid displaced. The mass of a liquid displaced is depend upon the buoyancy. Next, the center of gravity of a volume
ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी. Next, a piece of metal of the specific gravity 13.6 is placed in the mercury of the specific gravity 13.6. What a fraction of its volume is under the mercury? Whole of the metal piece will be immersed with the top surface just at a mercury level. क्यों? क्योंकि भाई दोनों की जो density same है, तो एक दूसरे में immersed होने जाएंगी. Next, the angle of contact in case of a liquid depend upon. लिक्विड के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस पर डिपेंड करता है? बोथ द अबव, मतलब द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड पर, द मटेरियल विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर. फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव लाइक अ शीट एंड टेंस टू कॉन्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया ड्यू टू द सर्फेस टेंशन. मतलब अब अगर सर्फेस टेंशन नहीं है ऑप्शन में, तो फिर आप कोइजन की तरफ जा सकते हो. Raindrop are the spherical because of the surface tension force. Next, surface energy per unit area of a surface is numerically equal to the surface tension. Next, the capillary rise h key value 20 degree centigrade in calm glasses of the cube 1 mm bore contain the water approximately. कितना वाटर अप्रोक्सीमेटली कंटेन करेगा, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है. द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. द डिफरेंस ऑफ अ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द ड्रॉप इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप का तुम्हें बताया था ना, फोर्सिंग वाइडी It is not more than 6.4 meter and above the hydrostatic gradient. To avoid the interruption in the flow of the siphon, an air vessel is provided. Air vessel is provided at the summit. The vapor pressure over the concave surface is the vapor pressure of the over the concave surface are less than the vapor pressure of the over the plane surface. Of concave surface पर जो pressure लगेगा, concave मतलब ऊपर की ओर उठा, convex मतलब नीचे की ओर दबा हुआ, split मतलब plane. तो concave का मतलब simple है, concave का मतलब है upward direction में. जब upward direction में तो h की value कम है, h की value कम है तो मैं बोल सकता हूँ कि pressure over the concave surface less to the plane surface. Next, the property by virtue of which a liquid opposes the relative motion between its tendency layer is called a viscosity. The process of diffusion of one liquid into the other through the semi-permeable membrane is called a osmosis. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था. द यूनिट ऑफ डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आर न्यूटन सेकंड पर मीटर. नेक्स्ट, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विथ द कंजर्वेशन ऑफ मास. द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ मास. The rise of depression of a liquid in a tube due to surface tension increase in a size of tube will be decreases. Next, the liquid transmit pressure equally in all direction. This is according to the Pascal law.
लिक्विड ट्रांसमिट द प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड तीनों इक्वल है पास्कल लॉ से. नेक्स्ट, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव. कैपिलरी एक्शन जो हो रहा है वो सरफेस टेंशन की वजह से भी हो रहा है, कोहेजन ऑफ अ लिक्विड की वजह से हो रहा है, एडिशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी. Newton's law of viscosity is a relation between, Newton's law of viscosity किसका relation है, तो Newton's law of viscosity is the relation between the shear stress proportional to the angle or deformation. The atmospheric pressure with rise in altitude decrease, the atmospheric pressure with rise in altitude decrease, the first slowly and then suddenly. Pressure of the order of 10 torr can be measured by pressure of insulations. Operation of MC Lyod gas used in the low pressure measurement is Boyle's law. अब यही सब questions हैं. In an isothermal atmosphere, the pressure in an pressure is varies in the same way in the density. Mercury is often used in the barometer because it's have the best liquid and is the height of the barometer will be less and it is the various pressure is low so that it may be negligible. Next, barometer is used to measure, barometer ko use hum kis cheez ko measure karne ke liye karte hain, to atmospheric pressure ko measure karne ke liye hum log barometer ka use karte hain. Atmospheric pressure को बैलेंस करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बैरोमीटर फ्लूइड का यूज करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड, स्पीडोमीटर, या हम लोग इसी को पिटोट ट्यूब बोल सकते हैं. डीप सी, पिटोट ट्यूब का यूज दो जगह करते हैं, ए वेलोसिटी ऑफ द डीप सी में नापने के लिए, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन नापने के लिए. Which of the following instrument can be used for measuring the speed of an aeroplane? वही पिटोट ट्यूब. Next, piezometer is used to measure. Piezometer का use हम लोग कहाँ करते हैं? Very low pressure में. Next, which of the following instrument used to measure the flow of the application? The Bernoulli equations. All of the above. The speed of the sound in an ideal gas varies directly to its absolute temperature. The speed of the sound in an ideal gas varies directly as its absolute temperature. Next, dynamic viscosity of most of the liquid with rise in a temperature. मैं क्या पढ़ रहा हूँ? तुमको समझ आ रहा है? Decrease. Next, dynamic viscosity of most of the gases with rise in a temperature increase. Euler dimensionless number related to the following. Euler is inertia force upon pressure force upon inertia force. Euler's कोई नाम नहीं, इसलिए वो प्रेशर में रहता है, प्रेशर में रहने के कारण inertia force upon pressure force. Next, manometer is used to measure. Manometer का use हम लोग कहाँ करते हैं? Pressure in a pipe, channel and etc. Next, which of the following manometer has the highest sensitivity? So माइक्रोमैनोमीटर विद द वाटर इज अ हाई सेंसिटिव मैनोमीटर. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन याद रखो. साइन 9, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर, वन लेग इज यूजली इंक्लाइंड बाय द एंगल ऑफ 9. Sensitivity of the inclined tube to the sensitivity of the U-tube is equal to sin 9. Working principle of the dead weight pressure gauge test based on the Pascal law. The resultant of all the normal pressure act, the vertically upward. Center of pressure compared to G is up below it. Meta center height is the distance between the meta center and center of gravity. हमेशा याद रखना. The resultant upward pressure buoyancy कहलाता है. The center of pressure of a surface subjected to the fluid pressure is point on the surface which result to the pressures act. Next,
buoyant force is, buoyant force कुछ नहीं है, the resultant force of body due to the fluid submerged it. The horizontal component of the buoyant force is zero. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही buoyant force लगता है, horizontally कोई buoyant force लगता ही नहीं है. Next. The line of action of the buoyant force act through the center of displaced volume of a fluid. Center of buoyancy is a center of the displaced volume of the fluid. A body float in a stable equilibrium when a meta center is above. The total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by the intensity of a pressure at a centroid if the area is inclined. Meta center is the point of intersection of. Meta center is the point of intersection.